अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हम लोगों ने आपसे बात किए थे कि हम हर हफ्ते जो है आपका हर संडे को ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, और ये कहा था कि वो टेस्ट का तरीका हम आपको बताएंगे। तो अभी हम वो टेस्ट का तरीका बता रहे हैं आपको, कैसे आपको जो है टेस्ट देना है। ठीक है, आप लोगों को जो है ये बहुत आसान तरीका है, सिर्फ हम 5-7 मिनट 10 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको जो है व्हाट्सएप पर लिंक आएगी, मैं यहाँ टेलीग्राम से ऑन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जो लिंक दी जाएगी वो व्हाट्सएप के थ्रू दी जाएगी। जो हमारे कम्युनिटी ग्रुप बने हुए हैं उसी ग्रुप में जो है एग्ज़ाम की लिंक दी जाएगी, और वहीं से आपको जो है वो लिंक ओपन करना है। जैसे मैं अभी टेलीग्राम पर गया हूँ और यहाँ पर मैंने उस लिंक को ओपन किया, जैसे ही टच करेंगे उसको वो लिंक ओपन होगी। ये चूँकि सैम्पल है, ये हमारे टेस्ट की नहीं है, ये इब्ने खल्दून स्टडी एंड रिसर्च सेंटर ने जो एक कंपटीशन रखा था ऑनलाइन में, ये उसकी है सैम्पल कॉपी, लेकिन पैटर्न ऐसा ही रहेगा, तरीका ऐसा ही रहेगा, इसलिए मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको शुरुआत ऐसे आएगी। ठीक है, तो आपको पहले जो है आपका नाम वगैरह फिल करना रहेगा, यहाँ पर ईमेल आईडी है, आपको ईमेल आईडी का नहीं रहेगा। ठीक है, चूँकि स्टूडेंट है 5वीं क्लास 8वीं क्लास के, इसलिए आपको हम नाम का नहीं रखेंगे, ये सॉरी ईमेल आईडी का नहीं रखेंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है। क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है आपको। अब यहाँ पर आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मेंशन करना है, वो लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद नाम लिखने का है, नाम लिखना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो है स्कूल और प्लेस, यहाँ स्कूल नहीं है चूँकि बड़े लोगों के लिए था, इसलिए यहाँ स्कूल नहीं था फॉर्म में, आपको स्कूल भी रहेगा, स्कूल का नाम, तो आपको स्कूल का नाम भी लिखना रहेगा, और साथ में प्लेस, किस प्लेस पर जो है आपको लेना है। यहाँ चूँकि ईमेल आईडी है इसलिए मैं ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये जितने कॉलम दिए रहेंगे ये सब फिल करना ज़रूरी होता है। अभी मुझे प्लेस यहां लिखना है। ठीक है, ये जलगांव मैंने प्लेस डाल दिया है। यहां पर आप जिस मकाम से ताल्लुक रखते हैं, जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं, आपको वो मालूमात इसमें भरनी है। ये जितना सही रहेगा आपको, तो आपको रिजल्ट देखने में आसानी होगी। जब हम रिजल्ट शो करेंगे तो उसी के बिना पर समझ में आएगा कि आपका नाम और आप किस शहर से थे। अगर एक नाम के दो लोग एक शहर से आ रहे हैं तो फिर हम जो है स्कूल से पहचाने के। ठीक है, तो आपको वो जो मालूमात भरना रहेगी वो पूरी फिल करना है, मुकम्मल तौर पर भरना है और नेक्स्ट करना है फिर। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपको अब इस तरह से सवालात उसमें आएंगे। सवालात बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे, ये सवालात नहीं होंगे, सवालात दूसरे होंगे, जो आपको 6 दिन में जो हमने पढ़ाए हैं वो जो टॉपिक आपको भेजे गए थे उन्हीं टॉपिक्स पर सवालात रहेंगे आपको। जिस तरह से यहाँ एक सवाल लिखा है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका भी ऐसा ही तरीका रहेगा, सवाल होंगे उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको यहाँ टच नहीं करना होगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, एक एग्जांपल है, ये मिसाल है, ये इसको ऐसे ही समझिए। किस हुक्मरान ने कहा था कि मैं बाजरा के थोड़े से अनाज के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत को तकरीबन खो देने वाला था। तो अब इसमें से अगर आपको लगता है कि 2 सही है, ठीक है, तो आप 2 को टच करेंगे। आपको लगता है 1 सही है तो आप 1 को टच करेंगे। मैं यहाँ पर अभी सही क्या है गलत क्या है इस पर ना जाते हुए मैं अभी टच कर रहा हूँ 1 को। ठीक है, मैंने 1 को फील किया, ऑप्शन नंबर 1 मैंने उसको यहाँ फील कर दिया। ठीक है, तो अब जो है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 1 सवाल हो गया मेरा, सिर्फ आपको यहाँ टच करना रहेगा, आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे सवाल पर आया, और अब मुझे इसमें जो है जो भी ऑप्शन है इस तरह के सवाल आते रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने इसको किया। ठीक है, मैं तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ, सही क्या है गलत क्या है यह भी बात की बात है। ठीक है, तरीका देखना है हमको सिर्फ इस तरह से, चूंकि इसमें सवाल ज़्यादा है और कोई सवाल छोड़े तो फिर सबमिट नहीं होता है, इसलिए मैं तेज़ी से कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए कि किस तरह से जो है हर सवाल के नीचे पूरा सवाल देने के बाद फिर ऑप्शन भी
दिए गए हैं, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे। आसान तरीका होगा सवाल समझना, सवाल के बाद ऑप्शन समझना, ये बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जितना अच्छे तरीके से आप सवाल समझेंगे, ऑप्शन समझेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप जो है पेपर कर पाएंगे और ज़्यादा मार्क्स लेंगे। और हमने कहा था कि जो लोग टॉप करेंगे, उन टॉप करने वाले लोगों को जो है कि 10 टॉप 10 स्टूडेंट की हम पोस्ट हमारे फेसबुक पेज पर, माई यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर लगाएंगे और माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर भी हम उन 10 लोगों के फोटो लगाएंगे जो बहुत से लोगों को दिखाई देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तरीका है इसको फील करने का। लेकिन मैं जिस तरह से तेज़ी से करते हुए जा रहा हूँ, आपने शॉर्टकट तरीका मत मार देना कि सर ने तो इतनी स्पीड से कर दिए थे, होगा हमारा पेपर 2 मिनट में, ऐसा नहीं करना है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बगैर सवाल पढ़े के मैं टिक कर रहा हूँ, इससे तो मुझे 2-4 मार्क्स भी मिल गए तो मुश्किल है, ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको पढ़कर करना है, ठीक है। ये चूँकि पूरा पेपर करना ज़रूरी रहता है, इसलिए मैं तमाम क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये तकरीबन पेपर ख़त्म हो रहा है, ये शायद 100 क्वेश्चन वाला था पेपर, आपको सिर्फ 30 या 50 क्वेश्चन आएंगे। वो तो कल उसकी तफसील मैं आपको उसमें दे दूंगा मैसेज में कि 5वीं वालों को कितने क्वेश्चन रहेंगे और 8वीं वालों को कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो बात मैं आपको बता दूंगा। कोई छूटा तो नहीं, देखिए ये क्वेश्चन हो गए पूरे। जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, सवालात पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इस तरह से आपको आएगा और आपको क्या करना रहेगा, सबमिट करना रहेगा। क्या करना रहेगा, सबमिट करना रहेगा, पूरे तवज्जो से ये काम करना है आपको। अब आपने सबमिट किए, अब आपको इस तरह का कैप्चा दे सकता है, इस बात पे खास तौर से ध्यान रखो कि ये जो है कैप्चा, आपको जो इसको कैप्चा बोलते हैं, इस तरह से दे सकता है। क्या कर रहा है, ये देखता है कि कोई रोबोट तो नहीं हैंडल कर रहा है या फिर इंसान ही इसको बराबर चला रहा है, कोई हैक तो नहीं कर रहा है। सिलेक्ट ऑल इमेजेस विथ ब्रिजेस, तो क्या बोल रहा है कि ब्रिजेस वाले जितने इमेजेस हैं उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक इमेज ये है, एक इसमें ब्रिज है और ये ब्रिज है, क्या है ना ब्रिज, ठीक है। तो ये हमने जो ब्रिज वाले दिखाई दे रहे थे उसको हमने सेलेक्ट किए और अब वेरीफाई करेंगे। हाँ अब देखो क्या बताया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये हमारा सबमिट हो गया, ठीक है, सबमिट हो गया। ये हमारा तरीका होगा, बहुत आसान तरीका है। आपको जो है जो लिंक दी जाएंगी उस पर जाना है, जो शुरू में इंफॉर्मेशन मांगेगा, नाम, प्लेस, स्कूल और व्हाट्सएप नंबर, ये आपको सही सही डालना है। उसके बाद फिर सवाल आना शुरू हो गया, हर सवाल को गौर से पढ़ना है, जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन सही होगा, जो मुतबादिल सही होगा, उसको आपको क्लिक करना है। इस तरह से पूरा सवाल करना है, पूरे सवालात करना है, कोई एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए वरना सबमिट नहीं होगा, तमाम सवालात करने होंगे। फिर सबमिट जब करेंगे तो हो सकता है कि उस तरह का कैप्चा आए आपको, तो जब आएगा तो वो उसको सही तरीके से फिल करना है। अगर आपने उसने ब्रिजेस पूछा है या फिर लाइट पोल देगा या कुछ और देगा आपको, तो जो पूछा है उतने ही इमेजेस को टिक करना है आपको और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है, ये तरीका रहेगा। बात समझ में आएगी, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से आप पेपर देंगे इंशाल्लाह। फिर जब आप पेपर दे देंगे, हम शाम में उसी दिन आपको शाम में संडे के ही शाम में लाइव फिर हम यूट्यूब पर आएंगे और पेपर एनालिसिस करेंगे, पेपर में क्या था, आपने क्या किया और किस तरह से करना चाहिए था, पेपर देने का तरीका क्या होता है, सवालों को किस अंदाज में टैकल किया जाता है, हल किया जाता है, जवाब देने के लिए किस तरह से एक दूसरे से जो है क्या ट्रिक्स अपनाई जाती है, तरीके क्या होते हैं, ये सब हम संडे के नाइट में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ से रखे, अच्छी तैयारी कीजिए।